कि हमारी नज़र हर एक अधिकारियों पर है, सब पर है, और आपके माध्यम से जो भी कुशेश्वर स्थान की और तारापुर की जनता जो देख रही है, उन लोगों से भी हमने कल चुनाव में जनसभा में अपील की थी कि अगर डरने की ज़रूरत हो, अगर कोई गड़बड़ी करे तो एक एक मोबाइल से आप लोग जो है रिकॉर्डिंग उन लोगों का करने का काम कीजिए, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे डालने का काम कीजिए। और इसके लिए आने वाले समय में हमारी डेलीगेशन इसको लेकर के, जिसको हम लोगों ने कंप्लेन किया था, दिलीप झा जी जो कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये काम करें, दिल्ली में डेलीगेशन हमारा इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएगा और एक डेलीगेशन बिहार स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ भी कंप्लेन लेकर के जाएगा कि भाई ये 25-25 बूथ की जिम्मेवारी ऐसे पदाधिकारी को दी गई है। विधानसभा में इसलिए सवाल उठा था क्योंकि ये पक्षपात करते हैं, न्याय नहीं करते हैं, वैसे लोगों का उसके बाद सवाल में ट्रांसफ़र होता है एक महीने पहले और फिर चुनाव में डेपुटेशन पे बुला लिया जाता है बिना कहीं नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद भी उनको 25-25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है, ये बेमानी अब चलने वाली नहीं है। हम लोगों की नज़र हर एक तरफ है और ये तो लोकतंत्र की हत्या कराने की कोशिश की जा रही है, मतदाताओं से उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, लूट है, यही नीतीश कुमार जी का न्याय है। और आजकल कितना चिड़चिड़ाने लगे हैं, हमने तो पहले भी ना कहा था ये तो सबसे शर्मीले मुख्यमंत्री हैं, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, कारखानों के बारे में बात नहीं करते, पलायन के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करते, किसान का बारे में बात नहीं करते, यूरिया के बारे में बात नहीं करते, महंगाई के बारे में बात नहीं करते, पता ही नहीं रहता है, तो पता ही नहीं, देखते ही नहीं, कहाँ कुछ पता रहता है, ABCD का ज्ञान नहीं, का ज्ञान नहीं। हम बार बार कह चुके हैं थके हुए मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका एक महीने पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, यानी ठीक पहले एक महीने पहले इनका पोस्टिंग जो है बगहा कर दिया जाता है, दरभंगा बरौल जो क्षेत्र कुशेश्वर स्थान है वहाँ कई कई साल तक रहे, मतदाताओं को डराना धमकाना, क्योंकि हम लोगों को डर था, इसलिए हम लोगों ने एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया रिगार्डिंग द पार्टीशन अप्रोच ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार झा SDPO बिरौल दरभंगा। और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को किया था। अब चुनाव आयोग ने हमारे कंप्लेन पर जवाब दिया, वो जवाब 26 अक्टूबर को आता है 2021, यानी 23 को हमने कंप्लेन किया और ये 26 अक्टूबर को जवाब आता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। जो दिलीप कुमार झा जी SDPO बिरौल दरभंगा के विरोध मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंधी परिवाद के संबंध में था, यानी साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है
कि एक महीने पहले उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।